हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में होने वाले सातवें T20 मैच का। सातवां T20 मैच देखोगे तो दोनों टीमें जो है वो अब तीन तीन मैचेस जीत चुकी है, और लास्ट मैच जिस तरह से इंग्लैंड जीता था तो आप देखोगे कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लैंड ने जो है वो जीता, और वो बहुत दिनों से जो है जो उनका फॉर्मेट है एक बहुत ही अच्छे तरीके से खेलने का, वो फॉर्मेट जो है वो शायद अप्लाई कर नहीं रहे थे, और वो फॉर्मेट जो है वो उन्होंने अप्लाई कर दिया है। कि जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि अब जो है वो आपको पता होगा कि पिछले वर्ल्ड कप से ही, ODI वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम से ही वो जो है एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट में खेल रहे थे। और वो फॉर्मेट था कि कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, बस मार के खेलना है, चाहे वो मैच हारे या जीते। तो वही सिचुएशन जो है उन्होंने कल अप्लाई किया, और वो जो है उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ। आप देखोगे कि काफ़ी बॉल रहते हुए भी जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैच को जो है वो जीत लिया था, और ये जो श्रृंखला था एक बहुत ही बड़ा हिम्मत देगा उन्हें, बहुत ही बड़ा जो है बूस्ट देगा कि 8 विकेट से जो है वो 170 रन का टारगेट जो है वो चेस करना, और वो भी जो है केवल 14 ओवर में चेस कर लेना, तो अपने आप में जो एक बहुत बड़ा जो है इन्हें बूस्ट देगा। और इनका अब अगला टूर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी है, उसके बाद वर्ल्ड कप भी है, तो आपको जिस तरह का फॉर्मेट ये अपना रहे हैं, खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो साबित होगा। हम बात करते हैं कि आगे जो है क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है पूरा देखना, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। इसके अलावा बात करते हैं, तो अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े और चाहते हो कि एक बहुत ही बढ़िया तरीके से विनर सेशन एंट्री आप खेल सको, तो ये जो है व्हाट्सएप का नंबर है, आप यहाँ पे खेल सकते हो। और साथ में ये जो है आप यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का जो नंबर है और टेलीग्राम का जो लिंक है और व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो। अभी क्या है कि मेरा जो है वो गला थोड़ा सा है ख़राब, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आवाज़ जो है थोड़ा सा अजीब सा आ रहा होगा, पर कोई नहीं, आप एक दो वीडियो में एडजस्ट कर सकते हो जब तक ठीक नहीं होता तब तक। अब बात करते हैं यहाँ पे, तब देखोगे तो पाक और इंग्लैंड के बीच में देखते हैं, तो ये जो होगा 7th मैच होगा, ये होगा संडे को, टाइमिंग जो होगा यहाँ पे 8 बजे, जो कि सारे मैचेज हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है गदाफी स्टेडियम में जो है ये देखने को मिलेगा। अब लास्ट के लास्ट मैचेज देखो, सेकेंड मैचेज देखो, तो वहाँ पर रन बनाने में दोनों टीमें बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस कर रही थी। उसके अलावा अभी के सीनरी देखोगे तो अभी सीनरी में आपको देखने को मिलेगा कि जो लास्ट मैच हुआ था वहाँ पे पाकिस्तान तो अलग ही ठुक ठाक करके रन बनाया, लेकिन इंग्लैंड जिस तरह का रन बनाया बहुत ही फास्ट तरीके से रन बनाया। तो अब इस सीनरी में अगर आप देखोगे तो देखोगे कि अगर हम दोनों बैट्समैन की कंपेयर कर लेते हैं, कहाँ की, इंग्लैंड की और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो सबसे फास्ट बैट्समैन आप देखोगे तो उन्हें देखने को मिलेगा कि जो सबसे फास्ट खेला वहाँ पे वो 147 का स्ट्राइक रेट था, और वो था बाबर आजम का और इफ्तिखार अहमद का, 147 के आसपास का स्ट्राइक रेट था। और यही जो इंग्लैंड खेला है, तो इंग्लैंड में जो सबसे फास्टेस्ट खेला है वो एलेक्स वेल्स ने 12 बॉल पे 27 रन बनाए और 225 का स्ट्राइक रेट था। उसके अलावा फिलिप साल्ट ने पूरा मैच ही समाप्त कर दिया, 41 बॉल पे 88 रन और 214 का स्ट्राइक रेट से। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना बहुत ही पॉसिबल है, एक अच्छा सा जो है ग्राउंड है, और जो हम लोग कह रहे थे कि एक बैटिंग ग्राउंड जो है बिल्कुल दिखाई देता है, तो अगर आप यहाँ पे डट के खेलोगे तो अपने आप जो है बॉलिंग ग्राउंड में आपको अब बैटिंग ग्राउंड में जो है चेंज होता हुआ नज़र आ जाता है। लेकिन अगर पीछे जो है यहाँ पर फंसने लगे, जैसे देखोगे कि इंग्लैंड ने शुरुआत से ही मारना शुरू कर दिया था, अगर यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम लेता है पीछे फंसने लगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है बॉलिंग भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। अब दोनों मैचों से जो है आपको आकलन लग गया होगा कि एक मैच जो था वो बॉलिंग इफेक्टिव हो गया, एक मैच वो बैटिंग इफेक्टिव हो गया। वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं, टेम्परेचर जो है 30 डिग्री के आसपास रहने वाला है, बारिश की चांसेस बिल्कुल 20% के आसपास है, लेकिन ज़्यादा चांसेस रहेगा कि नहीं होगा। टॉस की बात करें तो पाकिस्तान के ज़्यादा चांसेस है कि टॉस जीतकर जो है पहले बॉलिंग करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ देख लेते हैं एक बार टीम न्यूज़, तो टीम न्यूज़ में आप देखोगे तो आपको देखने लगेगा कि बाबर आजम जो है पाकिस्तान को लीड करेंगे। इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत सारे प्लेयर को, अगर लास्ट मैच में देखोगे जैसे रिजवान को, हरीश रॉफ को, इसके अलावा जो है आप हसनैन को, तो ये जो है इन्होंने रेस्ट करा दिया था, तो हो सकता है कि ये लोग जो है पाकिस्तान वाले जो है इनको लेके वापस आएंगे, हो क्या सकता है लेके आएंगे, क्योंकि अब तो जो मुकाबला है वो 3-3 हो गया है, तो बिल्कुल फाइनल है। इसके अलावा आप देखोगे तो इंग्लैंड की तरफ से आप देखोगे तो आपको जो है इंग्लैंड में भी जो है क्रिस वोक्स, मार्क विल मार्क वुड जो है ये इनको करा दिया गया था रेस्ट, तो हो सकता है कि इनको भी जो है वो लेके आया जाए। उसके अलावा देखोगे तो बहुत ही बढ़िया सा जो है परफॉर्मेंस लास्ट मैच में सभी का रहा है, तो कोशिश यही करेंगे कि अगर ये भी हो सकता है कि ये लेके आए या फिर इसी टीम के साथ जो है खेलने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं कि दोनों टीमों में जो है वो कौन कौन सा जो है वो की प्लेयर आप ले सकते हो, तो रिजवान, बाबर आजम ये काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा जो है लास्ट मैच में हमने इफ्तिखार को जो है डिमेंडमेंट टीम में ले लिया था, इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पे जो है शादाब अगर वापस फिर से आते हैं तो आप ले सकते हो,
और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर देखना है कि नवाज़ को जो है वो लेके चलना है, क्योंकि मैंडेटरी है यहाँ पे जो है। अच्छा विकेट जो है वो है तो सही, लेकिन आप देखोगे तो एक बढ़िया सा जो है आपको देखने को मिल रहा था लास्ट मैच में। हालांकि कोई ज़्यादा विकेट जो है वो शादाब को मिला नहीं, रन रेट भी जो है काफ़ी ज़्यादा था, और वैसे जब सबको मार पड़ रहा था ज़्यादा था। लास्ट मैच में शादाब खान का जो है थोड़ा सा रन रेट ठीक था, तो 8 के ऊपर था, और 2 विकेट भी जो है वो केवल शादाब को ही मिला था, उसके अलावा किसी को नहीं मिला था। इसके अलावा बात करते हैं हम इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड की तरफ से देखो तो फिलिप साल्ट का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, एलेक्स वेल्स का, इसके अलावा डेविड मलान का भी जो है वो लास्ट मैच में ठीक दिखा, 18 पे 26 रन। बिन डेकट का भी जो है परफॉर्मेंस ठीक है, और इसके अलावा बॉलिंग में देखोगे तो रॉस टॉपली जो है वो हल्का सा मार जो है इनको जरूर पड़ा था, क्रिस विक्स की जगह पे आए थे तो आप इनको जो है ले सकते हो, लेकिन 1 विकेट जो उनको मिला था, और इकोनॉमी रेट जो इनका सही था बाकी के कंपेयर में। इसके अलावा सैम करन को 2 विकेट मिला था, सैम करन को जो आप पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा डेविड विली को भी जो है 2 विकेट मिला था, और इसके अलावा रिचर्ड गिलिसन जो खेले थे इनको जो है 1 विकेट मिला था, लेकिन आप देखोगे कि इनको थोड़ा सा रन रेट जो है वो 10 के पास था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है, तो रिसेंट परफॉर्मेंस जो है आप सभी को पता है कि रिसेंट 6 मैचों में तीन तीन जो है वो दोनों टीमें जीती है, तीन तीन हारी है। और इसके अलावा बात करते हैं अगर हेड टू हेड करें, दोनों टीमें जो है अभी तक 27 मैचेस खेल चुकी है, जिनमें से 10 जो है पाकिस्तान जीता है, 17 जो है वो इंग्लैंड जीता है, लास्ट जो 6 मैचेज हुए उनको इंक्लूड करके। टीम लेवल टीम को जो है हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े थे जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हो, और साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट बनाने की अपनी जर्नी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो एक बार ड्रीम इलेवन टीम को देखते हैं और फिर करते हैं वीडियो को एंड। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ड्रीम इलेवन टीम की, तो सबसे पहले आपको विकेट कीपर में जो है वो किसको पिक करके चलना है, तो लास्ट मैच के हिसाब से देखो तो रिजवान लास्ट मैच में थे नहीं, लेकिन रिजवान का पिक कर सकते हो। फिलिप साल्ट का फॉर्म भी जो है वो अच्छा देखने को मिल रहा है, बटलर जो है वो हो सकते हैं अवेलेबल हो। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग में, तो बैटिंग में बाबर आजम का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, एलेक्स वेल्स का अच्छा है, डेविड मलान का है, बेन डकेट का है, इसके अलावा जो है आप हैरी ब्रुक्स को भी देखोगे तो इनका भी फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा है, तो अभी जो है कन्फ्यूजन आपको रहेगा किसको पिक करें। इसके अलावा बात करते हैं ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में जो है वो आप मोइन अली शादाब खान को पिक कर सकते हैं, इसके अलावा नवाज़ का फॉर्म भी जो है ठीक है, या फिर शादाब खान की जगह आप चाहो तो जो है वो नवाज़ को हटा के, थोड़ा सा फॉर्म जो है अभी गड़बड़ हुआ है, जो वही एशिया कप में था वैसा फॉर्म नहीं है, इसके अलावा जो है आप सैम करन को ले सकते हो। बॉलिंग की बात करें तो आप हरीश श्रॉफ को ले सकते हो, इसके अलावा जो आप यहाँ पे जो है डेविड विली को आप चाहो तो पिक कर सकते हो, और इसके अलावा एक हम लोग बात करें तो आप हसनैन को पिक कर सकते हो, या फिर वसीम जूनियर का पिक करना चाहो कर सकते हो, या फिर इसके अलावा यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शन बनेंगे शहनाज धानी, तो ये भी अगर रहेंगे तो पिक कर सकते हो। तो अभी के लिए जो हम लोग हसनैन को पिक कर लेते हैं। अब हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से जो है अगर रिजवान खेलता है तो रिजवान को पिक कर सकते हो, बाबर आजम खेलता है तो बाबर आजम को ले सकते हो, खेलेगा ही। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आप सैम करन को पिक करके चल सकते हो वाइस कैप्टन के तौर पर, या फिर फिलिप साल्ट को। तो अभी के लिए जो हम लोग रिजवान को कैप्टन लेते हैं और फिलिप साल्ट को जो है वो यहाँ पे वाइस कैप्टन लेते हैं। यहाँ देख सकते हो टीम प्रीव्यू, और इस टीम के साथ जो आप कोई भी लीग खेल सकते हो। इसके अलावा और भी टीमें चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहाँ से आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।